रिपोर्ट महबूब अली डॉम की सिब्बी, कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से फैल रही है जो कि खतरनाक है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आवाम को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद लाजमी करें। महकमा हेल्थ की जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही हम कोरोना वायरस जैसी मुझी मर्ज को शिकस्त दे सकते हैं। ये बात डिविजनल डायरेक्टर हेल्थ सिब्बी डिविजनल डॉक्टर मोहम्मद दाऊद मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करें, खासकर वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन इसका बेहतरीन और आखिरी इलाज है। दूसरी जो अहम इलाज है इसकी प्रिवेंशन है। लोगों से हमारी यह दरख्वास्त है कि वो इसको सीरियस लें, वो फासला रखें, वो मास्क पहने, वो सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं। ये सिर्फ मेडिकल ये हिदायतें नहीं दे रहा है, इस्लाम ने भी यही हिदायतें दी हैं। खाना खाने के वक्त हाथ धो लें, बार बार जो है ना सुबह शाम गुसल करें। जुम्मा की नमाज की जो है उसको ये तैयारी करना पड़ता है, गुसल करना पड़ता है। ये असल में एहतियाती तदाबीर जितने भी हैं आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम ने दिए हैं। लोगों को पता नहीं अभी क्या इशू है, वो इन चीज़ों को छोड़ के इसी तरह अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज़ को सीरियस लें और इसके बारे में एहतियात करें, वैक्सीन कराएँ, गैर जरूरी सफरों से आप एहतियात करें, न जाएं। रोड हादसा तो आप देख रहे हैं, कल मुस्लिम बाग में वाकया हुआ है, कोई चलाए हुए ड्राइवरों से यह हिदायत है कि वो एहतियात से ड्राइव करें। लोगों की ज़िंदगी अहम है, जो एक दफ़ा जाती है वो बाइक नहीं होती है। हर चीज़ में एहतियात हो, कानून को फॉलो किया जाए। कानून बनाया गया, फॉलो हमने करना है। अभी हमारे ऊपर कोई चौकीदार तो बैठा हुआ नहीं है। हमारी यही लोगों से रिक्वेस्ट है, पार्टिकुलरली कोरोना के बारे में। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, वैसे भी घरों में रहना पड़ता है, रोज़े रखने पड़ते हैं। ये भी आप समझें कि एक अल्लाह की रहमत का महीना है और इंशाल्लाह इसी के बरकत से ये कोरोना हमारा जान छोड़ देगा। पहले से बढ़ रही है परसेंटेज इसकी, लेकिन सिबी डिवीज़न में इतनी ज़्यादा नहीं। हेल्थ डिवीज़न में वैक्सीन का प्रोसेस जारी है और यही काम इस वक्त हम कर सकते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं और वैक्सीन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कंट्रोल।